वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार था पूरी कौम को। वजीर आजम पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और उनका तैयारा लैंड कर चुका है। वजीर आजम पाकिस्तान के इस्तकबाल के लिए बहुत बड़ी तादाद के अंदर पीटीआई के कारकुन रहनुमा और आवाम की तादाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है। वजीर आजम पाकिस्तान कुछ लम्हों बाद बाहर आकर खिताब फरमाएंगे। पूरी कौम इंतज़ार कर रही है इमरान खान साहब का जो कामयाब दौरा था मिशन कश्मीर, उसके बाद वो अब कौम से क्या खिताब करते हैं। सारी दुनिया को उन्होंने हिला कर रख दिया है। जो नुमाइंदगी उन्होंने कश्मीर की है, जिस तरह से आलम इस्लाम के मसाइल को उन्होंने उजागर किया है, जिस तरह से दुनिया को समझाया है, ये तमाम चीज़ें इमरान खान साहब ने अपने 7 दिन के दौरे के अंदर 70 से ज़्यादा मुलाकातें करके और उन्होंने गुफ्तगू की, मुलाकातें की, तकरीर की। हमारे नुमाइंदे इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि जाहिद फारूक साहब से वहाँ की अपडेट्स लें। जाहिद साहब, क्या देख रहे हैं आप? जी, मैं देख रहा हूँ वजीर आजम पाकिस्तान एक कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए हैं और उनका जो तैयारा है वो इस टाइम मेरी बिल्कुल आंखों के सामने है और वो टैक्सी कर रहा है। अभी थोड़ी ही देर में वो जो बे है बे 8 और गेट नंबर 3B3 उसके ऊपर ये प्यारा बिल्कुल अब रुक गया है। अभी तो सऊदी अरबिया का खसूसी प्यारा 737 रुक गया है। अभी थोड़ी ही देर में वो जो दरवाजा है वो खोल दिया जाएगा। अभी जो जो लिफ्ट होती है वो उनकी तरफ से जा रही है और इस वक्त इस्तकबाल के लिए काफी तादाद में यहाँ पे कारकुन वफाकी वज़रा गवर्नर इमरान इस्माइल गवर्नर के पी शौकत यूसफ से वफाकी वज़रा की एक बहुत बड़ी तादाद मामले खसूसी सरदार शकरवान वजीर दाखिला ब्रिगेडियर एचआर शेख रशीद अहमद अमीन असलम और तमाम अक्सरियत जो है वो इस वक्त उमर यूथ भी सामने नजर आ रहे हैं। बैस्ट सुल्तान शहरयार अली अहमद सारे इस वक्त मौजूद हैं और तैयारा रुक चुका है इस वक्त वजीर आजम का और बिल्कुल उनकी किसी भी वक्त जो है वो आमद हो सकती है क्योंकि अभी दरवाजा नहीं खुला और साथ जो लिफ्ट होती है जहाँ से जो बे 8 है वो बस थोड़ी ही देर में उनको खोलने वाले हैं। तो बिल्कुल आप समझे कि मैं तैयार के वक्त सामने खड़ा हूँ और ये मंजिल आपको जाहिद आप तैयारा जहां आके पार्क होगा उसके बिल्कुल सामने खड़े हैं। जैसे दरवाजा खुलेगा आप वो मनाजिर देखेंगे। ये बताइए कि इस वक्त उनका इस्तकबाल करने के लिए जिस पॉइंट पर आप खड़े हैं वहां और कौन कौन आला हुक्काम या सरकारी वज़रा मौजूद हैं? जी, इस वक्त गवर्नर जो है केपी के शाह फरमान और उसके साथ गवर्नर सिंह जो है इमरान इस्माइल और वफाकी वज़रा जो है शेख रशीद अहमद अली अहमद सैफरान के मिनिस्टर जो है शहरयार ब्रिगेडियर जो इजाज़ अहमद है वजीर दाखिला समेत जो मामले खसूसी हैं फरदौस शिकवान वजीर जो हमारी दफा है परवेज खटक जहांगीर तरीन समेत पार्टी की जो आला क्यादत है वो इस वक्त मौजूद है और अभी जो लिस्ट है वो प्यारे की तरफ जा रही है प्यारा खोलने के लिए और प्यारा बिल्कुल रुक चुका है और ये बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है। इस वक्त एयरपोर्ट के ऊपर जो गेट B3 और जो बे है वो पेड़ है उसके बाहर जो है एक लाइन में अब खड़े हुए हैं वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए। जैसे ही वजीर आजम बाहर तशरीफ लाएंगे तो ये इस लाइन के लिहाज से सीनियरिटी के लिहाज से तो सब लोग इस वक्त खड़े हुए हैं और वजीर आजम का जो तैयारा है लिफ्ट बिल्कुल साथ जुड़ने वाली है और जैसे ही लिफ्ट बिल्कुल साथ जुड़ेगी वजीर आजम का जो दरवाजा है सऊदी अरबिया का खसूसी जो प्यारा है वो खुलेगा और अभी अभी बिल्कुल आप समझे कि लिफ्ट जो है वो दरवाजे के साथ बिल्कुल लग चुकी है। वजीर आजम जो कामयाब दौरा करके आए हैं अकवामी मुतहदा में जो उन्होंने खिताब किया है जो कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा है उस कामयाबी के बाद दुनिया को भारत का जो असल चेहरा है वो दिखाने के बाद उनके चेहरे से जमहूरियत का जो लिबादा था
जो रियलिटी थी वो दिखाने के। जाहिद अब किसी लम्हे भी दरवाजा खुलने वाला है, जिस तरह आपने बताया कि अब दरवाजा किसी वक्त भी खुलने वाला है, वजीर आजम पाकिस्तान और उनके के जो मेंबर्स हैं वो भी दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ और इस वक्त मेरी नजरों के सामने लिस्ट दरवाजों के साथ लग गई है जी। और वजीर आजम क्या दरवाजा खुल गया है वजीर आजम पाकिस्तान। वजीर आजम पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लिफ्ट के साथ कनेक्ट हो गया और दरवाजा खुल चुका है। हमारे नुमाइंदे जाहिद फारूक इस वक्त वहीं मौजूद हैं। जैसे ही दरवाजा खुलेगा या खुल रहा है, वजीर आजम पाकिस्तान बाहर तशरीफ लाते हैं, तो हम जाहिद फारूक उससे मजीद तफसीलात लेंगे। जाहिद फारूक साहब, इस वक्त दरवाजा खुल गया, वजीर आजम पाकिस्तान बाहर तशरीफ ले आए हैं। जी वजीर आजम अभी बाहर तशरीफ लाने वाले हैं, दरवाजा खुल चुका है, प्रोटोकॉल बिल्कुल साफ लगा हुआ है और अगर आप मुझे एक मिनट देंगे तो इसकी मैं लाइव फुटेज भी आपको